स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार शाम पावटा सीएससी कच्छ पर गलत दिशा में आ रहे ट्रक का चालन काटने पर हुए विवाद में ट्रक चालक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर यातायात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक बदिंता राणा ने बताया कि प्रागपुरा थाना क्षेत्र में गलत दिशा में आ रहे एक ट्रक का ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा चालन काटने पर पुलिसकर्मियों और ट्रक चालक के बीच विवाद हो गया, जिसमें ट्रक चालक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मामले में यातायात पुलिसकर्मी छोटेलाल और कृष्ण घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल छोटेलाल का निम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक बदिंता राणा ने बताया कि मारपीट की वारदात को गंभीरता से लेते हुए घटना का खुलासा एवं मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नीम सिंह के निर्देशन में वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर रोहित सांखला की सुपरविजन में एवं प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए घटना में शरीर अभियुक्त यूसुफ खान पुत्र करीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 4 भारत कॉलोनी पावटा, राजेंद्र पुत्र जुंगाराम उम्र 35 साल निवासी राजस्थान स्कूल के पास पावटा, विनोद पुत्र रतनलाल उम्र 45 साल निवासी श्रीराम कॉलोनी पावटा, सोनू पुत्र ब्रजमोहन उम्र 25 साल निवासी बड़नगर को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353, 307, 427, 120 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विराटनगर से न्यूज 69 के लिए मामराज मीणा की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।